राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। सो गाइज, आई एम रियली सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों बाद वापस लौट रही हूँ। जैसा कि मैंने आप सबसे शेयर किया था कि मेरा फिजिकल हेल्थ से मैं थोड़ा सफ़र कर रही थी और मेंटल हेल्थ से भी थोड़ा सफ़र कर रही हूँ, तो इसलिए चीज़ें करने की ज़्यादा मन नहीं करता था और मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। बट नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड मैं ट्राई कर रही हूँ अपने चीज़ों को वापस से सेटल डाउन करने की और धीरे धीरे एडजस्ट होने की और एक नई जर्नी की शुरुआत करने की। आई होप आप सब भी ऐसा कर चुके होंगे और मेरी तरह स्लो डाउन नहीं होंगे। और सबसे पहले मैंने अपने मॉर्निंग की शुरुआत योगा और मेडिटेशन से की, और योगा और मेडिटेशन हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेडिटेशन तो बहुत ही ज़रूरी है हमें काम डाउन करने के लिए। कभी कभी हम जो चीज़ें जो रूटीन बहुत आसानी से फॉलो कर लेते हैं, जो हमारे रोज़ का दिनचर्या होता है, पर जब हम मेंटल हेल्थ से किसी भी तरह से सफ़र कर रहे होते हैं तो वो इजी सी चीज़ करने में ही हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है। और मेरी लाइफ में अभी कुछ ऐसा ही समय चल रहा है और आई थिंक कि रीस्टार्ट करने के बाद थोड़ा स्पीड पकड़ने में हमें थोड़ा समय तो लगेगा, बट इट्स ओके। हम आराम से धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं, अपने आप को हील करने का समय दे सकते हैं। तो बस उसी समय को देने के लिए मैं थोड़ा सा आप सबसे दूर हुई थी। और योगा और मेडिटेशन करने के बाद मैंने बुक पढ़ा। आजकल मैं जय शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मॉन्क पढ़ रही हूँ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। एंड इसमें मैंने पहला चैप्टर पढ़ा था कि लेट गो, एंड इसमें अपनी आइडेंटिटी बताई गई थी कि हम वो हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं, और हम अपनी सोच के हिसाब से ही चीज़ों को करते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ स्क्रैच से शुरुआत के लिए मैंने अपने पॉलिटी के नोट्स रिवीजन किए, और क्योंकि मुझे लगा कि जब अब शुरुआत फिर से करनी ही है तो क्यों ना खुद की फेवरेट सब्जेक्ट से शुरुआत किया जाए। तो मैंने यहाँ पे अपनी पॉलिटी के सेल्फ नोट्स जो है वो रिवाइज़ किए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे पॉलिटी सिर्फ पॉलिटी में ही मैंने एक अच्छा सा सेल्फ नोट्स बनाया था जो कि मुझे लास्ट टाइम में बहुत काम आया। मैंने पॉलिटी रिवीजन पे एग्ज़ाम के पहले उतना ध्यान नहीं दिया था, बट क्योंकि मेरे पास नोट्स बने हुए थे तो मैंने एक दिन पहले पूरा पॉलिटी रिवाइज़ किया था। और मेरे जितने भी क्वेश्चंस पॉलिटी से बने थे वो सब सिर्फ इसी रीज़न से बन पाए थे क्योंकि मैंने उसे तुरंत ही रिवाइज़ किया था और वो सब कंफर्म सही हो गए। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मे बी पॉलिटी में भी मैं काफ़ी क्वेश्चंस गलत करके आती। और शाम की चाय के साथ मैंने अपेक्षा मोदी मैम की एक मोटिवेशनल वीडियो इंटरव्यू देखा, जिसमें जो 67th BPSC में उनका रैंक 7 था। और ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए ऐसी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती है, और ख़ास करके तब जब हम कोशिश कर रहे हों मोटिवेट करने की, तो ये सारी चीज़ें एक उम्मीद की तरह हमें समझ आती हैं और फिर से शुरुआत करने की एक शक्ति देती है। और अपना दूसरा सेशन पढ़ाई का करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने किचन के सारे काम निपटाए, और अभी काफ़ी दिनों के बाद घर से आने के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करके सेटल डाउन हो रही हूँ। अभी घर में भी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हुई है और पढ़ाई में भी नहीं हुई है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी का बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था। मैंने 6th क्लास की ज्योग्राफी ली थी क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा वीक है। बस यही रीज़न था कि मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पे मैंने मैगी बनाया क्योंकि कुछ हैवी ना बनाने का मन था और ना ही खाने का। मैगी खाने के बाद भी मैंने ज्योग्राफी की ही पढ़ाई की। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे कृष्ण।